नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 30 और 31 को परीक्षा देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, संविधान में जो प्रश्न अभी तक बने हैं जैसे संविधान संशोधन से, तो उससे मैंने आपको एक जो है पूरी टॉपिक बता दी थी कि प्रमुख प्रमुख संशोधन कौन से हैं, उनको एक नजर देख लीजिए। उसके बाद संविधान में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, बनने की संभावना है, वो संविधान के भाग से, अनुसूचियों से और साथ ही साथ स्रोत से, क्योंकि इनसे प्रश्न बने, और साथ ही साथ एक से लेकर के 50 तक अनुच्छेद आप जरूर देख लीजिएगा, एक से 50 तक के आर्टिकल, इतनी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, इतनी चीजें आप देख कर जाइए। संवैधानिक संशोधन आपने पूरे देख लिए हैं, तो चलिए एक नजर इन पर डाल लेते हैं और सरसरी नजर से सभी को एक बार देख के रिविजन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के अपने भाग में, सारे लोग जानते हैं कि मूल रूप से 22 भाग संविधान में हुआ करते थे जब संविधान हमारा लागू हुआ था। इसमें जब हम बात करते हैं तो शुरुआत के जो आपको चार पार्ट मिलते हैं जब आप यहां से यहां देखेंगे, ठीक है, तो इनमें एक तरीके से बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें मिलती हैं। जैसे भाग एक, तो यूनियन और इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक संबद्ध मिलता है। भाग दो, नागरिकता, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, ठीक है, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग तीन मूल अधिकार से संबंधित है और मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग चार नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे संबंधित आपके जो अनुच्छेद हैं 36 से 51 है। भाग चार ये मूल कर्तव्य है, बाद में इसको जोड़ा गया है, ठीक है, 51A में आपके जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग पांच की यहां से सरकार के बारे में शुरू होता है, भाग पांच जब आप देखेंगे तो संघ सरकार के बारे में है 52 से लेकर 151 तक। भाग छह में राज्य सरकारों से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग आठ की, सात की जब हम बात करते हैं तो राज्य भाग बी में 238 से रिलेटेड प्रावधान है। फिर आठ में जाते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, 239 से 242 तक प्रावधान मिलते हैं। फिर आप भाग नौ देखते हैं तो पंचायतों के बारे में प्रावधान है 243 से लेकर 243 तक। उसके बाद 9A की बात करते हैं, भाई 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ये दोनों जुड़े, तो 9A की बात करते हैं, इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, इससे संबंधित अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है। उसके बाद 9B की बात करते हैं, सहकारी समितियों से संबंधित है, इससे संबंधित अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक है। फिर बात करते हैं भाग 10, तो इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है, संबद्ध अनुच्छेद आपका 244 से 244A है। भाग 9 आपका संघराज्य संबंध से है, 245 से लेकर 263 तक। फिर बात करते हैं जो है 12 की, तो भाग 11 ये था, भाग 12 की बात करते हैं तो वित्त संपत्ति संविधाएं, ठीक है, इन सभी के जो है बारे में उपबंध है 264 से 300 ही। भाग 13 जो होता है ये डील करता है व्यापार वाणिज्य, ठीक है, इन सभी से संबंधित 301 से लेकर 307 तक संबंधित है। भाग 14 संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, ठीक है, 308 से लेकर 323 तक इससे संबंधित प्रावधान है। फिर भाग 14A में ट्राइब्यूनल्स के बारे में प्रोविजन किया गया था, 323A और B जोड़ा गया था। भाग 15 चुनाव निर्वाचन से संबंधित है, 324 से लेकर 329A तक। भाग 16 की बात करते हैं तो स्पेशल प्रोविजन किए गए, विशेष उपबंध किए गए। भाग जो 17 है राजभाषा महत्वपूर्ण है, 343 से लेकर 351 तक उपबंध है। फिर बात करते हैं जो है आपात उपबंध के बारे में, जो कि आपको किसमें देखने को मिलता है, भाग 18 में, ठीक है, आप वो आपात उपबंध है और जब आप इसमें देखेंगे तो 352 से 360 तक प्रावधान है। उसके बाद संवैधानिक संशोधन देखते हैं, ये 368 में है, मतलब इतनी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण भाग। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे अनुसूचियां, तो मूल संविधान में आप सभी जानते हैं कि 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान संविधान में अपने यहां 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची जो है ये भाग एक, ठीक है, संघ और उसके राज्य शेष से संबंधित है, इसमें राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्रीय विस्तार, सब कुछ लिखा है। दूसरी अनुसूची ये जो है वेतन भत्ते और पल्लवियों से संबंधित होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सभी के बारे में उपबंध मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची, शपथ जो अपने यहां संवैधानिक पद है महत्वपूर्ण, उन पर कोई पदासीन होता है तो वो शपथ लेता है, तो उनके बारे में, केंद्रीय मंत्री होगा, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग हो गए, राज्य के मंत्री हो गए, विधानमंडल के चुनाव को लेकर के देखा जाए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी लोग क्या शपथ लेंगे, ठीक है, उनके बारे में प्रारूप आपका 3 में मिलता है। फिर हम बात करते हैं जैसे चौथी अनुसूची, कई बार पूछा गया है
राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है, तो चौथी अनुसूची के अनुरूप होता ही है, ध्यान रखना। पांचवी अनुसूची की जब बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों जो है, जनजातीय जो क्षेत्र है उनमें प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान आपको पांचवी में। छह की जब बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संबंध में आपके प्रावधान अनुच्छेद 6 में मिलते हैं, यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन से संबंधित। सातवीं अनुसूची में भाई तीन सूचियां मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद हम बात करते हैं आठवीं अनुसूची की, तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, आज वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं होती हैं, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ जो है कन्नड़, कश्मीरी, कोकड़ी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है, ये 22 भाषाएं मिलती हैं। नवीं अनुसूची आपका जो है प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, और इसके द्वारा क्या किया गया, जमींदारी जो प्रथा थी इसके उन्मूलन से संबंधित, ठीक है, आपके प्रावधान किए गए थे। दसवीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान किए गए। ग्यारहवीं अनुसूची जब हम बात करते हैं पंचायतों की शक्ति अधिकार उत्तरदायित्व से संबंधित 29 विषयों का वर्णन है, और बारहवीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति अधिकार और दायित्वों से संबंधित 18 विषय का वर्णन मिलता है। ये चीजें आपकी होती है। फिर हम बात करते हैं सोर्सेस की, कौन से सोर्स से क्या लिया गया, इससे प्रश्न भी बना। जैसे हम बात करते हैं 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, 1935 का GOI, ये सबसे बड़ा सोर्स के तौर पर लगभग 200 अनुच्छेद सीधे के सीधे इसे कॉपी कर लिए, कोई बिना कोई बदलाव के 200 से ज्यादा ही अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम से कॉपी किए गए। इससे अगर बात करें प्रमुख चीजें, राज्यपाल के कार्यालय, लोक सेवा आयोग, संघीय योजना, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, ये सब यहां से। ब्रिटिश संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो संसदीय स्वरूप है, कानून का जो शासन है, विशेषाधिकार रिट है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय प्रणाली है, कैबिनेट प्रणाली है, संसदीय जो विशेषाधिकार है, ये सारी चीजें आपको ब्रिटेन से ली मिलती है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जब हम बात करते हैं तो भाई मौलिक अधिकार आइडिया प्रियम्बल भी, ठीक है, आइडिया प्रियम्बल की जब हम बात करते हैं तो आइडिया प्रियम्बल यानी जो प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना का विचार भी यहीं से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा, उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, ये सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कई बार पूछा है, और राज्यसभा के जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है और राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं तो भाई जो अपने यहां, ठीक है, संघीय प्रणाली मिलती है वो व्यवस्था आपको यहीं से मिलती है, और साथ ही साथ राज्यपाल की जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होती है वो भी यहीं से व्यवस्था है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो मिलता है ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से भाई समवर्ती सूची बहुत बार पूछा गया, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस जो है, जो संयुक्त बैठक होती है, और व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है ये ऑस्ट्रेलिया से। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं तो भाई मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, न्याय की बात की गई, ये भी यहीं से ली गई है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रस्तावना में जो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द हैं इनको जोड़ा गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जब हम बात करते हैं तो संविधान संशोधन की जो अपने यहाँ प्रक्रिया है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ये साउथ अफ्रीका से। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है इसको जापान के जो है संविधान से लिया गया। तमाम ऐसी वीडियो जो आपके हैं मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, जीके में आपके जो स्टैटिक पोर्शन से, सब कुछ चैनल पर आपको दे दी गई है, उनको फटाफट एक बार जरूर आप जाकर के देख लीजिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए विदा ले रहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।